बहुत रैंडम व्लॉग हो रहा है, तो मेरे को नहीं पता था कि आयुष का अकाउंट इतनी जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। और मैं अभी मतलब मैंने सुबह ही नींदों में डाला था उसका सेल्फ वेरिफिकेशन, एंड उसका अभी वेरीफाई भी हो गया। उसका लक हमेशा इतना अच्छा है कि उसका 10-15 मिनट के अंदर ही वेरीफाई हो गया। और मेरे को व्लॉग करना था बट मुझे नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा, मेरे को एकदम से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो खुशी ना, और मैं उसके सिल्वर उसका गोल्डन प्ले बटन, मैं फंबल कर रही हूँ इतना ज्यादा, उसके गोल्डन बटन के गोल्डन प्ले बटन की स्टोरी अपलोड करी थी और मैं उसमें लिखी रही थी कि अभी तो जश्न होगा और ऐसे ऐसे, और मैं उसको टैग करने लगी और एकदम से ब्लू टिक दिखा। मैंने उसको हैंड टू हैंड कॉल करा, मैंने कहा आयुष ब्लू टिक हुआ है क्या, रिफ्रेश करो, मैं स्टोरी लिख चुकी हूँ। उसने कहा, और मैंने ये हैंड उसमें जो लिख दिया ये वो स्टोरी थी, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ उसको। और अभी मैं भाग रही हूँ उसके घर एंड उससे मिलने, क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा वो खुशी जो। मैंने कुछ नहीं कहा, नींद में दिन में भाग के आई हूँ। हो रब्बा, जैसे इमोशनल मूवमेंट, इमोशनल और एक वर्ड्स नहीं है, मतलब क्या होता है ना, खुशी इमोशनल, क्योंकि अभी मैं थोड़ा टाइम लगेगा कि मतलब समझ नहीं, क्योंकि वो होता है ना विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब सही में ऐसा हो गया। सो थोड़े से वर्ड्स कम है तो आप लोग मेरी फीलिंग समझ सकते हैं ना, मैं मतलब क्या कहना चाहता हूँ, बस इतना बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। देखो पता है मैं ना बेस की स्टोरी डाल रही थी, इसको टैग करने लगी और एकदम से ना जो ब्लू टिक से रिफ्लेक्ट हुआ फिर हट गया। मैंने नहीं है ये सेम मेरे फिर हट गया। अरे सही में मतलब ऐसे होके फिर वो हुआ, सबके वीडियो कॉल आ गया, मैं बात करती हूं। तो इसको कॉल किया मैंने, कहा आयुष ऐसे देखना एक बार चेक, कहता नहीं मेरे तो नहीं आ रहा, मैंने रिफ्रेश करना उसका, तीन बार मैं चिल्ला रही हूं उसके ऊपर, मैं रिफ्रेश करना उसका, फिर उसने रिफ्रेश किया, हां हो गया। मैंने कहा रुक तुम, मैं आ रही हूं। आज मैंने पता नहीं अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही ब्लू पहना था, पता नहीं क्यों, और आज ब्लू टिक आ गया। तूने अपने भाई को हक किया? एक तो नारा नहीं, ऊपर से वीडियो बनाया जा रही है। तो आप लोगों को पता ही है कि कल आयुष का अकाउंट वेरीफाई हुआ था एंड रिएक्शंस आपने देख ही लिए, तो हमने उसके लिए करवाई है इतनी प्यारी डेकोरेशन। तो अभी आयुष आने वाला है और उसके लिए सरप्राइज है ये, उसको नहीं पता कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो आ रहा है सिर्फ रील्स बनाने, उसके हिसाब से उसने मतलब ठीक है अभी कर लेंगे शूट, नॉर्मल फोटो क्लिक करवा लेगा वो ब्लू जैकेट में। मैंने उसके लिए एक गिफ्ट भी लिया है जो कि मैंने बहुत दिन पहले ही ले लिया था, बट झूठ बोले मैं लेकर आया था उसके लिए, झूठ बोला कर, एक तो कौन लेकर आया सच्ची सच्ची बता, कौन लेकर आया और बहुत दिन पहले से ही रखा हुआ है गिफ्ट, उसके वेरिफिकेशन का ही वेट हो रहा था। आपको गिफ्ट देखने से पता लग जाएगा कि किसने दिया होगा। हाँ गिफ्ट देखने से ही पता चल जाएगा कि सुमित दत्त ने तो बिल्कुल नहीं दिया होगा। सुमित दत्त तूने पेन दिया? सुमित दत्त मैंने पेंसिल भी दिया, पेन पूछ लेना उससे कॉलेज में कौन देता था उसको पेन। कल गिर गई। अरे गाइस कल जो गिरी है तब से इनकी जो हालत खराब हुई है ना, वो आपको बहुत मुश्किल से ब्लॉग बन रही है, बट बनाना पड़ेगा हमें, सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरे को पता मैं कितनी मुश्किल से ये फोन लेके खड़ी हूँ। तो अभी देखते हैं, वैसे आयुष अभी भी 1.5 घंटे लेट है, उसके हिसाब से रील बनने की मतलब इतना तैयार नहीं होता फिर भी लेट करना ही करना उसको। चलो आज तो आयुष पिटने वाला है, ओके बाय। आ गया लड़का और दिख गया इसको, पर्दे तो लगाए नहीं हमें, थोड़े से वो नहीं दिख रहा ना, इधर से मेरे को दिखा अभी पर थोड़ा सा लग तो रहा बलून दिख रहे यहाँ पे, वो कितना प्यारा लग रहा है यार।
ये चीज है ना, आयुष यादव वेरीफाइड, यस, इसको ना मैं ब्लॉग बन रहा है। मुझे इतना तो पता चल रहा, कुछ तो बन ही रहा है, कुछ तो कोई रील बन रही है, कुछ तो बन ही रहा होगा। पूछ तो ले मेहनत किसने करी है सबसे ज्यादा। थैंक यू सो मच। गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? बन रहा है, कैमरा बंद होते है, मेरा मन कर रहा है पीटूं वो ना। ये ऐसा ही होता है मेरे साथ, बताऊं मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हमेशा ऐसे ही होता है, कैमरे पे प्यार दिखाया जाता है और पीठ पीछे बहुत पिटाई होती है मेरी। तो यार ये पिघलने वाला हो यार, दो घंटे हो गए बंदा, पता है मतलब लोग मुझे देख के पिघल रहे हैं तो केक भी पिघल ही जाएगा ना, यू नो। वैसे थैंक यू सो मच। नहीं है, मैंने गोलगप्पे खिलाए इनने, वो ब्लॉग में रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो इनने बताओ मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने गोलगप्पे नहीं खिलाए, इसलिए मैंने आइसक्रीम आइसक्रीम वाला रिकॉर्ड कर लिया था। तो दो भूखे नंगे बैठे हुए हैं और आप तो बस ये देखिए, तू तो 4 बजे आया, ये डेकोरेशन देखिए आपकी, इतनी प्यारी लग रही ना, मतलब कितना अच्छा लगता है ऐसे डेकोरेशन देख के। तो बता ये पिक्चर सब कहाँ कहाँ की, अगर तेरे को याद है देखती हूं मैं। वेगास मॉल की, लोनावला की, अपने छत की, ये है पैसिफिक मॉल की। कौन से दिन की है ये फोटो? 3rd-4th दिन की, जब हम मिले थे, मतलब तीसरी बार मिले थे, जब की है तीसरी बार मिले थे। हाँ कंफर्म है? हाँ, चौथी, तीसरी बार, चौथ, ऊपर से तो दिखाओ, इधर दिखा करने लगा हुआ है ये मेरा गोल्डन प्ले बटन लगा हुआ है। वैसे ये क्राफ्टी बाजार से आया है, ये गोल्डन प्ले बटन है और ये फोटो आपने देखी हमेशा लगी रहती है, और ये स्मार्ट सी है, ये अभी खिंचाई थी, और ये अभी पता नहीं सेक्सी सी है, गाइस देख लो, और ये वेरीफाइड टिक, एंड ये मैंने इसको लेट आ गया कि मुझे इसी से। और गाइस ये है सुप्रीम कोर्ट और ये है उसके जज, जहाँ जिसके ऑर्डर चलते हैं और दूसरे जने को फॉलो करने पड़ते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैडम को यहाँ पे फिटनेस फ्रीक सलोनी मित्तल ऑफिशियल, मैं वहां से खींचनी शुरू होती हूं, बस फोटो अच्छी आनी चाहिए बस। आयुष तुम दोनों नखरे दिखाते रात रो, कोई किसी के लिए कितना ही कर ले हमेशा बाद में सुनना ही पड़ता है। मतलब इसकी मैं इतनी प्यारी प्यारी फोटोज खींचता हूँ, आप जिस इंस्टा पे देखते हो मैं इतनी प्यारी प्यारी फोटोज खींचता हूँ, और इस वो मेरी फोटो आप लोग कहते कम, इतनी पोस्ट कम क्यों करते, क्योंकि फोटो कभी अच्छी नहीं आ पाती मेरी, अच्छी फोटो आ ही नहीं पाती मेरी कभी भाई मेरी। मैं ना ऐसे 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 कैसे भी फोटो ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे 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 कैसे खींच के भाई, मैं भी तो क्या करता हूं, मैं भी तो ये करता हूं, तो मेरा कोई भी एंगल से क्लिक कर लो, टाइम तो देख ले, पर टाइम तो देख ले, टाइम देख ले एक बार, ये फोटो खींच गई देख लो, देख लो दो पैर को ना तोड़ दो। मैंने ये बोला केक को ऐसे करके ऐसे से तोड़ के केक थोड़ी सी एक रील भी पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे फॉलोवर्स तो बढ़ नहीं रहे इंस्टाग्राम पे, सो गाइस यार फॉलो करो यार आयुष यादव को, देखो एक बार इंस्टाग्राम पे यार, एक बार देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, एक बार देखो स्माइल, देखो एक बार दोनों की, एक बार स्माइल देखो दोनों की, प्लीज कर दो यार फॉलो, प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो जोर से, जैसे मैं तुझे मारती ना आयुष, क्या बात कर दी मेरे केक की, उरे 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 मेरा वेरीफाइड टूट गया, टूटना नहीं चाहिए, ये सब आप लोगों के लिए देख रहे हो, आप अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझसे पूछा तक नहीं इन लोगों ने, क्या अभी कैमरा बंद, ये कट हुआ था ना, ये खाने के लिए खा के चला गया यहाँ से। कैसा लग रहा है जब तुम्हारा इंस्टाग्राम वेरीफाई हो गया? मैं क्या चेंज लग रहा है, देखो चेंज कुछ ज्यादा नहीं लगता, बस एक वो होता ना एक तो एक अंदर से खुशी होती है कि मतलब हाँ, मतलब मैं उस चीज के लिए होते ना कहीं किसी चीज के लिए वेरीफाइड हो गए, मतलब डिजर्व तो आप लोग बताओगे कि मैं डिजर्व करता हूँ नहीं करता, मैं डिजर्व करता कभी, ये और इसका ब्लश दोनों काटते हैं, वो तो है ही कार्टून ही है ये दोनों की। हाँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, आप लोग इतना प्यार, दिन रात की जो मेहनत, मेरी जो दिन रात की मेहनत, और जो इसका दिन रात का इरिटेट करना, मेहनत डबल मेहनत। सो बस मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों के प्यार की वजह से और हम दोनों की मेहनत की वजह से ये फिर आई, 2 मिनट नहीं टिक पाती, 2 मिनट अटेंशन के बिना नहीं रह पाती, ये 2 मिनट नहीं रह पाई अटेंशन के बिना। थैंक यू इतना सारा प्यारा सरप्राइज करने के लिए,
यू आर द बेस्ट, जल्दी से गिफ्ट दे दो। सबसे ज्यादा अच्छी है। अरे सबसे ज्यादा अच्छी है, पर ये गिफ्ट नहीं दे रही मुझे गिफ्ट। बोल मैं कमीना। वो लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कमीना ऐसा नहीं, वो सुन नहीं सकते मेरे बारे में, बुराई नहीं सुन सकते मेरे, मेरे ऑडियंस मेरे बारे में बुराई नहीं सुन, कोई दिक्कत नहीं। जाओ मेरी ऑडियंस मेरे बुराई। अरे तो गिफ्ट तो दे जाओ, तुम जाओ ना। गिरने मत दोस्त को यार, मैं अभी ओ मैं उसकी मूछें बना दूं ऐसे। क्या किसी वेरीफाइड इंसान को ऐसे करवाता है कोई, मतलब कोई इज्जत में इज्जत है कि नहीं? नहीं है कोई इज्जत, मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। जहाँ इज्जत ना हो ना वहां से निकल जाना, वहां से निकल जाना ही बेहतर है। देख रहा धमकी, ऑनलाइन धमकी दे रही है मुझे, आप लोगों के सामने दे रही है धमकी। अब मैं ये डाल दिया ना, जल्दी से बैठ कर। अब मैं ये तो डालूंगा, ऑनलाइन धमकी दी ना जो। हाँ तो डाल दे, बैठ जा। क्यों बैठूं मैं वेरीफाइड हूँ, मैं नहीं बैठता। तो प्लीज जस्ट जस्ट फॉर आयुष, ये देखो कितना गंदा हो रहा है। बस लाओ जल्दी मेरे को गिफ्ट दे दो यार, मेरे को गिफ्ट देखना है क्या है। वो किसने दिया ये भी नहीं पता अभी तक, तो देख तो लूं पहले, फिर गैस करना है मुझे किसने दिया। सुमित ने दिया ऑफ कोर्स, सुमित ने दिया। चलो फिर सुमित ने गिफ्ट अच्छा दिया होगा, दे ही नहीं रही। तो मैं गिफ्ट देखूं तो दो। मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था, पर अब किसने दिया है? नकली। उसको खोल के भी तो देखो, अंदर है भी नहीं है। रुक जा, मेरे को पता है एप्पल के प्रोडक्ट्स कहाँ देखने होते हैं। अरे यार आज तक हम लोगों ने कुछ पहना है क्या नकली? कुछ लिया है नकली? नहीं, तुमने मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। अच्छा तू लेके आ गया? भगवान उतर के भी कह देगा तो तुम मानोगे? भगवान से डर आयुष, यकीन तो करना चाहता हूँ तू लेके आया, पर यकीन हो नहीं रहा मेरे को ये। अबे तेरा भाई मोबाइल देगा रे, छोटी मोटी चीजें। मैं गिफ्ट तो इसके लायो पर रखूंगी, मैं रील बनाने के लिए दे दिया करना, काम आएगा। गाइस देखो यहाँ पे क्या पलटी है। मैं आप समझा, ये अपना फायदा देखती है। ये होता मिल बांट के काम किया जाता है। चल कोई ना, कोई ना, मिल बांट के तू रख लेना, मेरी चीज इसकी चीज एक ही बात है, तू रख लेना। खुश भाई मैं ये व्लॉग पर विश्वास रखूंगी, ये तुमने बात तो बोल दी। कैसे लग रहे हैं गाइस? सेक्सी लग रहा हूं मैं, सेक्सी लग रहा हूं। कि आप किसके पास हैं? थैंक यू सो मच। हाँ पर अगर मेरे पास अगर गंदे से ईयरफोन कभी दिखे समझ लेना छिन चुके हैं मेरे से ईयरफोन्स। और मेरे कान में दिखे तो वो नीचे कमेंट करते हैं। और जब भी कमेंट पे जब भी अगर एयरपोर्ट दिखे ना इससे कानों में समझ जाना मेरे एयरपोर्ट चोरी हो चुके हैं। मैं अपने ले आऊंगी कल ही, सच नहीं लाएगी तेरे वाले। ये तो दे अभी से, देखो अभी से पलट गई है। तो जोर से जेब में डाल मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया, उनको पता नहीं। ऐसे बहुत सारे सरप्राइज आते रहेंगे एंड हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि हम लोग मतलब डेढ़ साल पहले हम लोग मिले थे, सायु स्टार्ट हुआ और फिर आज आयु वेरीफाई भी हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, हम लोगों ने दोनों ने मिलके किए हैं जो भी किया है और अभी बहुत सारे अचीवमेंट्स लेने बाकी हैं। तो चलता रहेगा ये सब आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों का साथ है तो हमारी अचीवमेंट्स ऐसे ही आती होंगी। सिर्फ और ब्लूटिक सिर्फ आयुष को नहीं मिला या मुझे नहीं मिला, आप लोगों का भी है ये ब्लूटिक। आप लोगों का ही है मेनली, क्योंकि अगर देखो आप लोगों का सपोर्ट, अगर आपका आपका प्यार और सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। एंड ये ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, आप कमेंट्स करो कि हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि अब से एक्टिव रहने का, कि कमेंट करो कि आपको क्या टॉपिक चाहिए, बस एक प्रैंक मत बोलो। चलो चलो चलो, जल्दी से लाइक कमेंट शेयर एंड बहुत सारा प्यार, वी लव यू।